2022 की पहली गुड मॉर्निंग आप सभी को. विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू द फर्स्ट डे ऑफ 2022. सो आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. आप लोगों ने जितना प्यार मुझे 2021 में दिया है उतना ही प्यार आप मुझे आगे भी देते रहिएगा. एंड विद दिस नोट आई एम स्टार्टिंग माई न्यू डे, न्यू ईयर, न्यू बिगनिंग. सो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और मैं जा रहा हूँ वॉक पे, क्योंकि आज से मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी रहूँ, वर्कआउट करूँ. तो आज फर्स्ट डे है तो मैं इसलिए वॉक पे जा रहा हूँ. सो लेट्स गो. और यहाँ पे पापा भी बाहर से टहल के आ गए हैं. पापा मुझे बता रहे थे कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, तो अगर जा रहे हो तो अच्छे से कवर अप होके जाना वरना बीमार हो जाओगे. और ये मैंने यहाँ पे शूज़ पहन लिए और मैं जा रहा हूँ नीचे अब वॉक पे. मुझे एक्चुअली सुबह सुबह बहुत ज़्यादा लेजी फील हो रहा था. और क्या बन रहा है यहाँ पे? पोहा बन रहा है गाइस. पहले साल के पहले दिन पोहा. तो साल की शुरुआत अगर पोहे से हो तो बात ही क्या है. और पोहा सच में स्वप्निल ने बहुत अच्छा बनाया था. स्वप्निल सबसे अच्छा पोहा ही बनाती है. और चाय साथ में हो तो मज़ा ही कुछ और है. और हम लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे और साथ में देख रहे थे बिग बॉस. आप में से कौन कौन बिग बॉस देखता है प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए. और न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए हमने एक्चुअली कल कुछ पेस्ट्रीज ऑर्डर करी थी. केक हमने नहीं मंगाया था क्योंकि केक वेस्ट मनी होता है, तो हमने सिर्फ सबके लिए एक पेस्ट्री ऑर्डर करी थी. और ये स्वप्निल है, इन्होंने कल ही अपनी पेस्ट्री खा ली थी. एंड दिस इज माइन चॉकलेट. सो गाइस, अभी ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है और घर की अब क्लीनिंग शुरू हो गई है. बेडशीट्स वगैरह चेंज कर दिया मैंने और स्वप्निल ने मिलके. और मैंने यहाँ पे उनको वॉशिंग में भी लगा दिया है, यू गाइस कैन सी. एंड स्वप्निल अभी यहाँ पे झाड़ू वगैरह कर रही है. हाय स्वप्निल. सो इसी तरह से हमारा न्यू ईयर जा रहा है. आप लोगों ने क्या क्या किया 1 जनवरी को, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और कैसे आप लोगों ने सेलिब्रेट किया. सो गाइस, पापा अभी नहाने गए हैं और स्वप्निल कानपुर से एक्चुअली भगवान जी के छोटे छोटे कपड़े लेकर के आई थी सर्दियों के. शो यू, ये देखिए. और ये है उनकी पैंट, कितने छोटे से हैं. और ये उनकी टोपी, तो कितना क्यूट लग रहा है ये. और गाइज, यहाँ पे खाना बनाने वाली दीदी आ गई थी जो कि बहुत अच्छा खाना बनाती हैं हमारे घर में, टचवुड. और लंच में आज बना था बथुए की पूरियां और साथ में बने थे छोले. उसके बाद अचानक से मेरे दोस्तों का कॉल आया और सबने बोला कि चलो हम लोग सब लोग लंच पे जा रहे हैं. और मैं अपने सारे दोस्तों के साथ मिला था पूरे एक साल बाद, जो कि मिल के बहुत अच्छा लग रहा था. और हम सब यहाँ पे नोएडा सेक्टर 27 में एक ढाबे में आए थे जहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है. मेरे एक्चुअली सारे फ्रेंड्स नॉन वेजिटेरियन हैं और सिर्फ मैं वेजिटेरियन हूँ. सिर्फ मेरे लिए वेज खाना आया था, बाकी सब लोग नॉनवेज खा रहे थे. बट नो डाउट खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ज़्यादा यमी था. हमने खुल के खाया, खूब मज़े करे, खूब बातें करी और बहुत इन्जॉय किया. Hey guys, so it's 7th January, मतलब कि एक हफ्ते बाद जब मैंने वो न्यू ईयर वाला ब्लॉग शूट किया था. और सेकेंड से ही, मतलब कि 2 जनवरी से ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी. मुझे 102 फीवर था और 4-5 दिन लग गए मुझे रिकवर होने में. और जैसे ही मैं ठीक हुआ तो यहाँ पे स्वप्निल बीमार पड़ गई है. पापा को भी खांसी आनी शुरू हो गई. आई थिंक इट्स अ वायरल फीवर और एक को आता है तो सबको हो के जाता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वप्निल बीमार लेटी हुई है, इसको अभी भी 101 फीवर है. इस वजह से मैं वो व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया था और एंड नहीं कर पाया था. तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट दे देता हूँ कि क्या चल रहा है लाइफ में. अब मैं थोड़ा सा रिकवर हो चुका हूँ, आई एम फीलिंग लिटिल बेटर. तो अब मैं व्लॉग्स बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा. तो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग. विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को एंड जल्दी से इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स कर दीजिए, जिससे कि और अच्छे अच्छे वीडियोज आएंगे. सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग. बाय.